भारतीय जननाट्य संघ इप्टा की बालको नगर इकाई प्रयास की ओर से 3 दिवसीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें स्कूल स्तरीय लोक नृत्य और नाट्य स्पर्धाएं आयोजित हुई। संस्था की ओर से चित्रकला प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसमें उन छात्र छात्राओं की कलाकृतियां शामिल की गईं जिन्होंने इप्टा की चित्रकला स्पर्धा में हिस्सा लिया था। प्रयास ने डॉक्टर स्वर्गीय धर्मवीर भारती लिखित नाटक अंधा युग का भी मंचन किया। विभिन्न विधाओं में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। बड़ी संख्या में बालको नगर वासियों ने कार्यक्रमों का लुत्फ उठाया। इप्टा की बालको नगर इकाई प्रयास की ओर से आयोजित कला प्रदर्शनी में स्कूल स्तरीय चित्रकला, लोक नृत्य और नाट्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम डॉक्टर अंबेडकर भवन में आयोजित किए गए। इस अवसर पर स्वर्गीय डॉक्टर धर्मवीर भारती लिखित नाटक अंधा युग का भी मंचन हुआ। ये गर्द सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। प्रयास
प्रयास की कला प्रदर्शनी में उन छात्र छात्राओं की कृतियां प्रदर्शित की गई जिन्होंने संस्था की ओर से आयोजित चित्रकला स्पर्धा में हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता 9 जनवरी को बालको नगर के सेक्टर 2 स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 3 स्तरों पर आयोजित की गई थी। प्राथमिक वर्ग के बच्चों को स्वतंत्र विषय पर चित्र बनाना था। माध्यमिक वर्ग के विद्यार्थियों का विषय था गुम होता बचपन। उच्चतर माध्यमिक वर्ग के छात्र छात्राओं ने सुनामी एक प्राकृतिक विपदा विषय पर चित्र बनाए। प्रयास की ओर से आयोजित कला प्रदर्शनी के अंतिम दिन विभिन्न विधाओं में भाग लेने वाले श्रेष्ठ प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। कला प्रदर्शनी के मौके पर प्रयास के पदाधिकारियों ने संस्था के उद्देश्य और गतिविधियों के संबंध में विस्तार से बताया। मेरा नाम केएल चंद्रा है, मैं वर्तमान में इस संस्था का सचिव हूँ और ये संस्था बालको में 1988 से कार्यरत है। इस संस्था का गठन राष्ट्रीय स्तर का है। राष्ट्रीय स्तर में ये विभिन्न जन समस्याओं, समसामयिक विषयों पर आधारित नाटक और रंगमंच के माध्यम से, कला के माध्यम से समाज सुधार की ओर कार्य करते आ रही है। फिर आज हमारे बालकों का जो संस्था का उद्देश्य है विभिन्न इस क्षेत्र के शालाओं में या कला प्रेमियों में प्रेमियों को अपने ओर जोड़ करके उनके कला के प्रति रुचि पैदा करना, कला को विकसित करना। और अभी वर्तमान में क्या है कि हम ये 18 सालों से यहाँ पर लगातार विभिन्न समस्याओं पर आधारित चित्रकला प्रतियोगिता रखते हैं बच्चों का और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार देते हैं। प्रति वर्ष हम 2 अक्टूबर को देशभक्ति गीत का एक कंपटीशन आयोजन करते हैं। अभी जैसे कि वर्तमान में चल रहा है कि अपन छोटे छोटे बच्चों को नाटक या कला के प्रति रुझान पैदा करने के लिए उन्हें हम मंच प्रदान करते हैं, इसी तरह से नृत्य के क्षेत्र में भी हम यही प्रतियोगिता आयोजित करते हैं और बच्चों को मंच प्रदान करते हैं। मेरा नाम दुष्यंत सिंह राठौर है और मैं जहाँ तक इप्टा में जुड़ने की बात है तो मैं 1991 से जुड़ा हुआ हूँ और नाटक की जहाँ तक की बात है तो मैं यहाँ जब से मैंने मतलब समझा कि नाटक करना चाहिए मुझे तो मैं ये चाहता हूँ कि सारे लोग जागरूक रहें और मुझे लगता है कि मंच ही वो सबसे ज़्यादा सशक्त माध्यम है जो आदमी की पर्सनालिटी को ज़्यादा बेटर ढंग से डेवलप कर सकता है। मैं धनाराम साहू और इस प्रयास इप्टा में कहा जाए तो जब से इप्टा बना, प्रयास इप्टा बना है तब से मैं उसके एक साल के बाद ही मैं क्या नाम से इस संस्था में जुड़ा हूँ। इस क्षेत्र में जुड़ने के बाद हमें बहुत ही आत्मसंतुष्टि मिलती है। हमारे बच्चों की जो प्रतिभा को अपन जो देखते हैं तो जो हम एक बीज लगाए हैं उसका जो फल आज हम देख रहे हैं, पौधा पेड़ जो बन गया है उसमें हम लोग बहुत ही आत्मसंतुष्टि मिलती है। उस जमाने को हम याद करते हैं जब हमारे पास साधन नहीं था और साधन नहीं होने के बावजूद धीरे 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 करके हमारे कलाकार जुड़ते गए, बच्चे लोग जुड़ते गए और आज ये स्थिति ऐसी है कि हम कैसे भी बड़े 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 मंच पर, राष्ट्रीय स्तर के मंच पर हमारे कलाकार अपना भागीदारी दे सकते हैं और बिल्कुल सफल हो सकते हैं।